मुस्लिम लीग नून की नौमुंतखब रुकन रिफत अब्बासी साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, खातून वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो रोड मैप दिया है बहसियत खातून बहस, आप कैसा देख रही हैं, किस हद तक आपको नज़र आ गया इससे पाकि पंजाब के बुरान पंजाब के मसाइल हल हो पाएंगे? इंशाल्लाह हमारी सी एम पंजाब जो है ना सिर्फ वो हमारी लीडर हैं, आपने देखा सी एम पंजाब बासलाहियत खातून है और उनके काम करने का अपना एक अंदाज़ा और अपना ही उनका एक काम का स्टाइल है। आप देखेंगे वो अपनी सलाहियतों को प्रयोग कर ला के ना सिर्फ पंजाब की पूरे पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगी। वो बहुत बासलाहियत खातून है और बहुत मेहनती हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह जी के स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस तरह उन्होंने काम का आगाज़ किया, आपको पंजाब में हर महकमे में इंशाल्लाह ना सिर्फ तब्दीली नज़र आएगी, हकीकी मानों में वो नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने जा रही हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे गमजन होगा और स्पेशली मतवस्त तबके के लिए वो नेक ख्वाहिशात रखती हैं, इंशाल्लाह उनको वो स्पेशली रिलीफ देंगी और आप देखेंगे कि पंजाब कहाँ तक जाएगा और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में वो एक नई रोशन मिसाल कायम करेंगी। अपोजिशन का अभी 3 दफ़ा इजलास हुआ है असम्बली का, तो क्या आप मुतमईन हैं अपोजिशन के इस रवैये से, क्या इससे देख रही हैं आपके ये इजलास आइंदा असम्बली हमाहंगी से और मुफाहमत से चल पाएगी जो अपोजिशन का? देखें अपोजिशन का आपने देखे 4 साल वो गवर्नमेंट में रहे हैं, खान साहब ने गा है गे है घी है से आगे नहीं गए, आपने देखा होगा ना उन्होंने कोई काम किया, जो उन्होंने वादे किए थे वो सारे खोखले थे, जो उन्होंने नारे लगाए उस किसी एक के ऊपर भी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ना तो उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया, ना उन्होंने 50 करोड़ घर और नौकरियाँ दी, इवन कि उन्होंने जो मतवस्त तबका था उनके लिए मजीद मसाइल पैदा किए, उन्होंने मुल्क की मैशियत को ना सिर्फ तबाह बर्बाद किया, आपने देखा होगा यूथ को भी उन्होंने बहुत मायूस किया है। तो हम लोग नारों के ना सिर्फ नारे नहीं लगाने वाले, हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आपने 75 साल तारीख उठा के देंगे, जब भी 75 साल दौर में पाकिस्तान की जितनी भी तरक्की का दौर था वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का दौर था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम साहिबा शहबाज शरीफ ये लोग मोहब्ब वतन लीडर हैं, इंशाल्लाह ये हकीकी मानों में नए पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे और पाकिस्तान को कामयाब करेंगे और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।